नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं सुशील बहुगुणा। एमजे अकबर को आखिरकार केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा देना ही पड़ा। हैशटैग मी टू मुहिम के तेजी पकड़ने के बाद भारत में जिन प्रमुख हस्तियों पर आरोप लगे उनमें एमजे अकबर प्रमुख हैं। उनके साथ अलग अलग समय पर काम कर चुकी करीब 20 महिलाएं अब तक उनके खिलाफ यौन शोषण के कई गंभीर आरोप लगा चुकी हैं। इनमें से एक महिला प्रिया रमानी के खिलाफ उन्होंने मानहानि का केस भी किया, लेकिन अपने इस आक्रामक रवैये के पीछे वो उन आरोपों का दबाव नहीं झेल पाए और न झेल सकते थे जो उनके साथ साथ उनकी वजह से मोदी सरकार पर भी बढ़ रहा था। अकबर के खिलाफ आरोप लगाने वाली महिलाओं के समर्थन में अलग अलग वर्गों के लोग खुलकर सामने आए, जिसे वो ज्यादा समय तक नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। अकबर के लिए बहुत मुश्किल था इन आवाजों को नजरअंदाज करना। मोदी सरकार से इस्तीफा देने के बाद एमजे अकबर ने एक लिखित बयान जारी किया और कहा कि चूंकि मैंने निजी तौर पर अदालत में न्याय पाने का फैसला किया है, मुझे यह उचित लगा कि पद छोड़ दूं और अपने ऊपर लगे झूठे इल्जामों का निजी स्तर पर ही जवाब दूं। इसलिए मैंने विदेश राज्य मंत्री के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मुझे देश सेवा का जो अवसर दिया उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं। तो ये अकबर ने अपना बयान दिया इस्तीफे के बाद, लिखित बयान, कैमरे के सामने वो नहीं आए। इस बीच सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस्तीफे का फैसला एमजे अकबर का अपना है। उनका ये फैसला कोई नजीर नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर फिर किसी पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो उसके इस्तीफे की उम्मीद न की जाए, और ये भी सूत्र कह रहे हैं कि वो बीजेपी में बने रहेंगे। अकबर के फैसले के बाद उन पर आरोप लगाने वाली पत्रकार प्रिया रमानी ने ट्वीट किया कि एमजे अकबर के इस्तीफे से महिलाओं के तौर पर हम खुद को सही साबित महसूस कर रहे हैं। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूं जब कोर्ट में मुझे भी न्याय मिलेगा। इस बीच आज खबर आई कि मी टू मुहिम के तहत आए मामलों को देखने के लिए सरकार मंत्रियों का एक समूह यानी GOM बनाने पर विचार कर रही है, जो ये देखेगा कि मौजूदा कानून में कहां खामियां हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है। हालांकि सरकार ने महिला और बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने मी टू मुहिम के तहत आए मामलों की जाँच के लिए रिटायर्ड जजों का एक पैनल बनाने की बात कही थी। एमजे अकबर के इस्तीफे के बाद वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई ने भी ट्वीट किया कि मैं 1993 से 1996 के बीच एशियन एज के पॉलिटिकल ब्यूरो में था और मैं एट गजाला वहाब, एट सुपर्णा शर्मा, एट तुषिता पटेल, एट प्रिया रमानी, एट राइट मीनल और मीटू के तहत बाकी लोगों के साथ हूँ। ये इस्तीफे से ठीक पहले राशिद किदवई ने कहा था। वरिष्ठ पत्रकार अक्षय मुकुल ने भी ट्वीट किया कि मैंने 1994-95 में एशियन एज की फीचर्स टीम में काम किया। मैं जानता हूं कि कई महिला सहकर्मियों को किन हालात से गुजरना पड़ा। मैं एट गजाला वहाब, एट सुपर्णा शर्मा, एट राइट मीनल, एट तुषिता पटेल, एट प्रिया रमानी और कई अन्य महिलाओं के साथ हूं जो हैशटैग मीटू मुहिम में अपने खौफनाक अनुभव बता रही हैं या बताएं। अकबर के इस्तीफे के बाद बीजेपी की ओर से तो कोई बयान नहीं आया, लेकिन बीजेपी की सहयोगी पार्टियों RPI और JDU की प्रतिक्रियाएं सामने आई। कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं के बयान भी इसके बाद आते रहे। तो जब तक कोर्ट में केस चलती रहेगी, जब तक वो दोषी है या नहीं है इसके संबंध में जब तक निर्णय होता नहीं है, तब तक वो उस पद का इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। ये एक अच्छा निर्णय है और अपोजिशन के तरफ से बहुत तेजी से मांग हो रही थी, तो ये एमजे अकबर जी ने सही निर्णय ले लिया है और उनके ऊपर जो भी आरोप है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। देखिए, सार्वजनिक जीवन में अगर आप संवैधानिक पद पर हैं और इस तरह के आरोप लगते हैं तो उस पद की गरिमा कम होती है। एमजे अकबर एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, पत्रकार रह चुके हैं, उन्हें पद की गरिमा का पता है, अपनी गरिमा का पता है। चूंकि मामला को खुद वो न्यायालय ले गए, इन सभी पहलुओं को देखते हुए उन्होंने पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए अपने पद से स्वेच्छा से त्याग कर दिया। इसका हम स्वागत करते हैं। ये रेजिग्नेशन उनको पहले ही कर देना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं का और जिस तरह से बड़ी संख्या में महिलाओं का आरोप था उसको देखते हुए उनको पहले ही कर देना चाहिए था। बहुत विलंब से किया, लेकिन देर आया दुरुस्त आया। और इस मसले पर बात करने के लिए मेरे साथ इंडियन वुमेन प्रेस कोर की अध्यक्ष टी राजलक्ष्मी हैं और फ्रंटलाइन में भी वो सीनियर डिप्टी एडिटर हैं। आपका स्वागत है। एक बड़ा फैसला आज आखिरकार हुआ, अकबर को इस्तीफा देना पड़ा, उनकी गद्दी गई। इस तरह का की मुहिम बहुत कम देखने को आती है और इसका एक नतीजा भी सामने आया, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के नतीजों के सामने आने के बाद अब लड़कियों का
हौसला बढ़ेगा, अब वो काम करने की अपनी जगहों पर ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनके हौसले की दाद जो है देना चाहती हूँ कि वो इतनी हिम्मत के साथ बाहर आई और अपनी जो है निजी उनकी ज़िंदगी में और जो कार्य क्षेत्र में जो हुआ है उसके बारे में उन्होंने पूरा जो बयान दिया और उसमें बहुत ही दर्द छुपा हुआ है उनके बयान में। एक एक बयान को अगर आप पढ़ें तो इसीलिए उसमें बहुत ही हिम्मत की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी ऐसी बात नहीं है कि महिलाओं की स्थिति में इतना सुधार हो गया है कि वो अपने साथ जो उनकी आप बीती है वो ऐसे शब्द में रख पाएं। तो ये एक बात है कि हौसला तो उनमें था और अभी भी है, और उस हौसले की अफजाई हमें सबको करना चाहिए। और क्योंकि वो बाहर आई और उन्होंने अपने बात रखा, इसलिए बहुत सारे महिला पत्रकार संगठन जैसे इंडियन वुमेन्स प्रेस कोर और फिर नेटवर्क ऑफ वुमेन इन द मीडिया है, एक और संगठन है, हाँ, इसके बाद प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है और फिर बॉम्बे प्रेस क्लब, मतलब बहुत सारे संगठन साथ आए और उन्होंने उनके इश्यूज़ को सपोर्ट किया है। और इसमें कुछ जो है राजनीति पार्टियां भी हैं, हाँ, उन्होंने भी सपोर्ट किया, वामपंथ पार्टियां ने सपोर्ट किया, लेकिन राजनीतिक दलों का उस तरह का समर्थन नहीं मिला, लगा कि खुल करके सामने नहीं आ रही हैं पार्टियां इस बड़े मसले पर, ऐसा आपको लगा एक पत्रकार के तौर पर भी? नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी है वो तो उन्होंने सबसे पहले इस पे स्टेटमेंट भी इशू किया, फिर जो ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन है उन्होंने तो इस पे एक प्रोटेस्ट मार्च भी निकाला वगैरह, तो ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पर ये कि जो महिलाओं के मुद्दे पर बहुत ही कम पार्टियां हैं वैसे भी बोलती हैं, ये आपको भी पता है, तो और खासकर इस इशू पे कि क्योंकि ये सोशल मीडिया में आया तो इसे कैसे देखना चाहिए, क्योंकि ये कंप्लेंट किस फॉर्म में होता, तो ज़्यादा फॉर्म पे ज़्यादा लोग डिस्कस कर रहे थे, न कि उसके सब्सटेंस पे, वो क्या कह रही है महिलाएं वो आप देखिए, क्योंकि ये हमारे समाज में जो आज भी सत्य है वो उसको दर्शा रही थी। और ये चूंकि मतलब पढ़ी लिखी और बिल्कुल जो है एक प्रकार से आप मतलब कह सकते सक्सेसफुल महिलाएं, उनकी तरफ से बयान आना, तो ये और उसमें भी एक जो है झिझक थी, ऐसी बात नहीं है कि वो सब अपनी बातें खुल के बता पाएं, पर उसमें से हिम्मत करके एक के बाद एक 20 महिलाएं आई, और ये सिर्फ एक जो है व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये इसमें हमें जो देखना पड़ेगा कि ये एक आम बात है जिसमें कानून होने के बावजूद भी 2013 में कानून बना, उसके पहले गाइडलाइंस थी, है ना, उसके पहले कानून तो था, तो ये जो एक तर्क दिया जा रहा है कि तब कानून नहीं था इसीलिए अब उसको कैसे डील किया जाए, ये एक जो हेल्पलेसनेस, एक जो असहायता जो दिखाए कुछ लोग जो है कह रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल जो है गलत है, क्योंकि ये जो अगर आज ये बातें, ये जो महिलाएं, जो महिला पत्रकार अपनी बात उन्होंने रखा है, तो इसको संज्ञान में जो लेने की ज़रूरत है। और आज भी मैं कहूँगी कि इंक्वायरी की जो ज़रूरत है, कि ये बात नहीं कि सिर्फ एक निजी, मतलब वो अपनी मंत्री पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया तो बात खत्म हो गई, ये बात नहीं है, क्योंकि आज भी वो बीजेपी में, गंभीरता से इंक्वायरी होनी चाहिए, वो आज भी बीजेपी में है और वो एक राज्यसभा एमपी भी है, ठीक है ना, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी क्या खत्म हो जाती है? जी, सरकार की जिम्मेदारी और बल्कि बड़ी जिम्मेदारी यहाँ से शुरू होती है। हमारे साथ गजाला वहाब भी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं फोर्स की, और आपने एमजे अकबर के साथ काम किया और उनके साथ जो आपका खराब अनुभव रहा आपने उसे भी बयान किया। गजाला जी, आपको ये लगता है कि आज जो हुआ, जो इस्तीफा एमजे अकबर का है, ये एक मील का पत्थर है पुरुषवादी जो मानसिकता है समाज की उसको ध्वस्त करने में, और इसके बाद लड़कियां, महिलाएं और ज्यादा अपने आप को मजबूत पाएंगी अपने वर्क स्पेसेस में जहां वो काम करती हैं वहां या बाहर समाज में? देखिए, आपने खुद इसको एक मील का पत्थर कहा है, तो ये एक मील का पत्थर ही है, ये मंजिल नहीं है, अभी इसके आगे हमें और भी बहुत लंबा सफर तय करना है। एक इंसान, ये पूरा मुहिम जो है ये एक पर्टिकुलर इंसान के खिलाफ नहीं था, इसको ये मानना कि ये टारगेटेड था और एक पॉलिटिकल पार्टी या एक मिनिस्टर के खिलाफ या एक एडिटर के खिलाफ, ये गलत होगा। पूरे कैंपेन को हम डिमिनिश कर रहे हैं, उसको छोटा बना देंगे ये कह के, ये पूरा हर एक आंदोलन जो शुरू होता है वो किसी ना किसी एक ट्रिगर से शुरू होता है, एक छोटी बात से शुरू होता है और फिर टूल पकड़ता है, तो प्रॉबेबली ये वो एक ट्रिगर है, ये एक वो चिंगारी है
जिसको तूल पकड़ने की जरूरत है और जिसको बड़े शहरों से, बड़े मीडिया हाउसेस से, छोटे शहरों में, गांव में, देहात में, हर जगह पहुंचने की सख्त जरूरत है। हमें अपनी जितनी भी महिलाएं हैं देश में, सबको ये गारंटी देनी चाहिए कि जब वो घर से बाहर निकलती हैं काम करने के लिए तो वो सुरक्षित हैं, सेफ हैं, उनके ऊपर कोई भी तरीके के या तो फिजिकल हैरेसमेंट असॉल्ट नहीं होगा, ना वर्बल विजुअल या फप्तियां नहीं कसी जाएंगी। ये उसके लिए है। तो आपने सही कहा, ये मील का पत्थर जरूर है पर ये मंजिल नहीं है। जी गजाला जी, मंजिल नहीं है, मंजिल अभी काफी दूर है और उसके लिए संघर्ष भी काफी ज्यादा है। मैं एक और चीज पूछना चाह रहा था कि ये जो पूरी मीटू मुहिम है सोशल मीडिया के जरिए फैली काफी तेजी से और लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए ही अपनी सक्रियता दिखाई। इस बार उतने ज्यादा जमीन पर प्रदर्शन नहीं दिखे जितना सोशल मीडिया पर एक्टिविटी दिखी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो पूरी मुहिम है ये एक इलीट वर्ग तक या उन लोगों तक जिनकी सोशल मीडिया तक पहुंच है वहीं तक रह जाएगी, या फिर ये नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी होगा, ये रिस्कर नीचे भी पहुंचेगी, छोटे शहरों तक, कस्बों तक, जहां की महिलाओं के पास हो सकता है सोशल मीडिया भी नहीं है, ये जो पूरी मुहिम है क्या किसी और शक्ल में वहां तक पहुंचेगी आपको लगता है, या इसके लिए कोशिशें और की जाएंगी अभी आगे? देखिए, आज तक जो हम सभी जो है मान के चलते थे कि यौन शोषण और जो यौन हिंसा होता है वो सिर्फ गरीबों के साथ होता है, ठीक है ना। तो ये जो मूवमेंट है सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि हमें भी पता है कि सोशल मीडिया की जो पहुंच है वो एक खास तबके तक है, ठीक है ना, और वो उसमें वो अपनी बात को भी अच्छी तरीके से रख पाते हैं। तो अगर उस तबके में ऐसे हालात हैं तो ये तो एक बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि अगर वो तबका जो सशक्त है, जो पढ़ा लिखा है, हाँ, और अगर वो अपने आप को जो मजबूर महसूस करे कि उनको सोशल मीडिया में आके अपनी बात कहनी पड़े, तो ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है मेरे हिसाब से। और इसमें कौन लेगा संज्ञान इसका? इसमें जो है सरकार को संज्ञान लेने की ज़रूरत है कि ये जो कानून बना है उसका कितना अमल हुआ है, कितने मीडिया संगठन या मतलब जनरली पूरे कार्य क्षेत्र में कितने संगठन हैं जहाँ पे वो कमिटीज़ बने हैं कानून के हिसाब से। तो आज के दौर में अगर कोई सीख मिलती है, सरकार को अगर सीख मिलती है, तो उनको ये जो है तुरंत करना चाहिए कि जो है पूरे कार्य क्षेत्र में मतलब संगठित और जो असंगठित क्षेत्र है उसमें ये इस टाइप की कमेटियां है कि नहीं, कानून के हिसाब से जो कमेटियां जो गठन करनी चाहिए वो ठीक प्रकार से गठन हुई है कि नहीं हुई है, और अगर गठन हुई है तो क्या वो फंक्शन कर रही है, क्योंकि एक और ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस को एक एनुअल जो है रिपोर्ट भी देना होता है सरकार को, ऐसी बात नहीं है। तो जिसको वो अमल नहीं करती है तो आप कानून जो है जो बना दीजिए, पार्लियामेंट पास करती है, उसके बाद क्या आपकी जिम्मेदारी क्या खत्म हो जाती है? गजाला जी, सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ कानून बनाकर खत्म नहीं होती, उस पर अमल भी होना चाहिए। लेकिन वर्क स्पेस का जो मामला है, दफ्तरों का मामला जो है, वहाँ पर जैसा कि राजलक्ष्मी जी कह रही हैं कि अमल नहीं होता है, तमाम चीज तरह के नियम कानून हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं, कई सारे संस्थान हैं ऐसे, तो आपको लगता है कि इसके बाद अब वो सक्रिय होंगे अपना इंटरनल जो सिस्टम है उसको मजबूत करने में, ताकि महिलाएँ अपने आप को दफ्तरों में थोड़ा और सुरक्षित महसूस करें, अपनी आवाज उठाने के लिए उनके पास वहां एक मंच हो अगर कुछ गलत उनके साथ होता है? देखिए आप, मैं इसका जवाब देने से पहले जो आपका पहला क्वेश्चन है सोशल मीडिया का, मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ, उस पर थोड़ा सा अपना कमेंट ऐड करना चाहती हूँ। हर इंसान लड़ाई उसी हथियार से लड़ेगा जो उसके पास मौजूद है। तो अभी ये जर्नलिस्ट जिन्होंने कंप्लेन किया है, जैसे मैं हूँ और भी मेरी जैसी और भी जर्नलिस्ट थी, उनके पास जो सबसे सशक्त या इफेक्टिव टूल था वो सोशल मीडिया था। ऑब्वियसली इनमें से कोई भी या मैं खुद भी अभी सड़क पे जाके नारेबाजी करने के उसमें नहीं थी फेवर में, और उससे कुछ हासिल भी नहीं होता। हमें सबको ये लगा कि बिकॉज इसकी रीच ज्यादा है, इसको ज्यादा लोग देखेंगे एंड प्रोबेबली इसके थ्रू हम सरकार तक जल्दी और आसानी से पहुंच सकते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब नहीं है कि ये एक इलीट मूवमेंट है या ये सिर्फ उन लोगों तक सीमित है जो शहर में रहते हैं या जिनके पास कंप्यूटर या स्मार्टफोन्स हैं।
ये वहां से शुरू जरूर हुआ है, बट ये कामयाबी इसकी तभी होगी जब ये गांव देहातों में भी पहुंचेगा, हर जगह पहुंचेगा, जो लोग घरों में काम करती हैं औरतें उन तक पहुंचेगा ये कॉन्शियसनेस, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे लेबर काम करती है उनमें कॉन्शियसनेस पहुंचेगी, स्लम्स में रहने वालों में पहुंचेगी, इसकी कामयाबी तभी होगी। और अभी रहा ये कि हमारे यहाँ ऑफिसर्स में सिक्योरिटी लड़कियों की महिलाओं की बढ़ाई जाएगी, कोई मैकेनिज्म आएगा, ये तो एक उम्मीद की चीज है क्योंकि ये सिस्टम तो बहुत पहले से ऑलरेडी इंस्टीट्यूशनलाइज है। हर ऑफिस में कानूनन एक रिट्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए जहां जाके जो औरतों को परेशानी होती है सेक्सुअल हैरेसमेंट, चाहे वर्बल हो चाहे कैसा भी हो, वो वहां जाके कंप्लेन कर सकती हैं और उनकी कंप्लेन को सीरियसली लिया जाता है, उस पर इंटरनल इंक्वायरी की जाए। ये कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, प्रॉब्लम ये है कानून हमारे पास बहुत है, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उनको सीरियसली लिया नहीं जाता है। तो नए कानून पे और कानून थोपने से बेहतर यह है कि एग्जिस्टिंग कानून को हम मजबूत करें, एक अकाउंटेबिलिटी तय करें कि कानून अप्लाई हो रहा है और कितनी सिंसेरिटी से हो रहा है, वो ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, कानूनों की कमी नहीं है, कानून काफी ज्यादा हैं और उन पर जो अमल है वो सबसे ज्यादा मुश्किल काम है और उसी वहीं जाकर के गड़बड़ी सारी होती है। विशाखा गाइडलाइंस बाकायदा हैं और उन पर अगर सख्ती से अमल किया जाए तो इस तरह की समस्याओं से निपटा जा सकता है। जबकि ये मामले हैं काफ़ी पुराने मामले हैं, इसमें उस समय इस तरह की गाइडलाइंस सामने नहीं आई थी और उनका काफ़ी ज़्यादा फायदा उठाया गया कई लोगों के द्वारा जो असरदार रसूख वाले लोग थे, बड़े पदों पर थे। अब आज के समय में आपको लगता है कि जो विशाखा गाइडलाइंस हैं, ऐसा करने से कोई डरेगा अपने दफ्तर में, अपने कामकाज वाली जगहों पर इस तरह अपनी ताकत का प्रदर्शन करने से कोई भी आदमी हिचकेगा, उसे लगे सजा का डर होगा? अगर वो अमल की जाए तो उसका डर होगा और वो अमल करने की डिमांड जो है वो खुद जो एम्प्लॉयज हैं जो वहाँ पे काम करते हैं उनको भी करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक ये अगर हम जो है मान लें कि जो है सरकार तक बात जो है पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी हमें नहीं पता, और सरकार कितने हद तक उसको इम्प्लीमेंट करेगी ये वैसे उनकी जो है जिम्मेदारी बनती है, पर अगर वो नहीं करते हैं तो हर एम्प्लॉय को अपने कार्य क्षेत्र में ये जो है निश्चित करना पड़ेगा कि वो कमेटियां गठन की गई हैं अपने लिए, खुद मतलब महिला जो महिला एम्प्लॉय है उनको खुद अपने लिए करना पड़ेगा और साथ में अपने पुरुष जो सहयोगी है उनको भी लेके साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार अगर एक पुरुष सहयोगियों का जो साथ है वो बहुत जरूरी है ऐसे मामलों पर, क्योंकि कई बार हमने देखा जैसे कि राशिद किदवई ने लिखा या फिर अक्षय मुकुल ने लिखा कि वो सुनते थे कि उनके साथ की महिलाओं के साथ इस तरह होता है लेकिन कोई सामने नहीं आता था, और अगर आता था तो वो अपने आप को अकेला महसूस करता था। पुरुष सहयोगियों का साथ और समर्थन भी बहुत जरूरी है इस तरह के मामलों में उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए। बिल्कुल है, क्योंकि मतलब कार्य क्षेत्र में दोनों काम करते हैं और अगर आप एक पक्ष की तरफ अगर जो भेदभाव होता है या यौन शोषण होता है तो ये जो है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। प्रोडक्टिविटी के जो बात करते हैं मतलब मेंटल और जो ये मानसिक और शारीरिक जो होता है शोषण होता है वो तो अलग है, उसके ऊपर जो अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि सब एम्प्लॉय अपना पूरा योगदान दें, अगर इस टाइप का माहौल होता है तो वो अपना पूरा योगदान तो दे नहीं पाएंगे। तो ये तो उनके स्वार्थ में भी है कि वो उसको ठीक ठाक जो है कमिटियां बिठाएं और ताकि ठीक और वो एनुअल रिपोर्ट भी सबमिट करें सरकार को, जैसे जो कानून में लिखा, कानून बिल्कुल साफ तौर से लिखा गया है कि क्या है सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो इसमें कि किसी को जो पता नहीं भाई हमने अनजाने में कर दिया वगैरह, तो ये तो बरगलाने वाली बात है। जी शुक्रिया टीके राजलक्ष्मी, IWPC के अध्यक्ष हैं और फ्रंटलाइन में वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस एक मील के पत्थर के बाद, इस इस्तीफे के बाद वर्क प्लेसेस में काम करने की जगहों पर महिलाएं अपने आप को और ताकतवर महसूस कर पाएंगी और उनका हौसला बढ़ेगा किसी भी तरह के ऐसे अन्याय के खिलाफ, ऐसी गलत बातों के खिलाफ। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखेंगे सबरीमला में क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल आज हो पाया।
केरल के प्रसिद्ध सबरीमला मंदिर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद महिलाएं पहले दिन प्रवेश नहीं कर पाईं। साल में दो बार इस मंदिर के कपाट खुलते हैं और इसी के तहत मंदिर के कपाट फिर से खोले गए थे बुधवार को। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 10 से 50 साल तक की महिलाएं भी इस मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं, लेकिन सबरीमला मंदिर में इस उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर रोक की सैकड़ों साल पुरानी परंपरा को तोड़ने न देने के लिए सैकड़ों लोग सामने आ गए। इनमें बीजेपी, कांग्रेस और अन्य तमाम पार्टियों और संगठनों के समर्थक भी शामिल थे। इन लोगों ने मंदिर जाने की कोशिश कर रही महिलाओं और उनके परिवारों को डराया, धमकाया, उन्हें जबरन वापस लौटाया। कवरेज के लिए गई कई महिला पत्रकारों के साथ भी इन्होंने मारपीट की, उनके कैमरे और गाड़ियां तोड़ी। एनडीटीवी के पत्रकारों के साथ भी इन्होंने यही व्यवहार किया। पुलिस ने दिखाने भर को तो कोशिश की, लेकिन लगता है भीड़ के आगे वो भी डरती रही। कई जगह उसने बेगुनाह लोगों पर लाठीचार्ज किया, जबकि हंगामा करने वाले हंगामे पर उतारू रहे। केरल के प्रसिद्ध शबरीमला मंदिर के कपाट शाम 5 बजे खुले, श्रद्धालु आते रहे, लेकिन 10 साल से 50 साल के बीच कोई भी महिला मंदिर में नहीं दिखी। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोशिश नहीं की, सुबह से ही देश के अलग अलग इलाकों से आई कई महिलाएं मंदिर की ओर बढ़ती दिखी। लेकिन पंबा, जहां से मंदिर के लिए पैदल रास्ता शुरू होता है, वहां से मंदिर तक जगह जगह लोग उन्हें रोकने के लिए खड़े दिखे। इनमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही शामिल थे। अयप्पा के गढ़ में हम मालावेदा हैं, हम जंगलों के रक्षक हैं। इन पहाड़ों पर 10 साल से कम और 50 साल से ऊपर की महिलाओं को ही पैर रखने की इजाज़त है। हम महिलाओं को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं देंगे। जो महिला इन सीढ़ियों पर चढ़ेगी उसे रोग हो जाएगा। हर उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की इजाज़त के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इसी तरह विरोध होता दिखा। कई महिलाएं डर के मारे वापस लौट गईं, कई को बसों और कारों से उतारकर उनके साथ छीना झपटी की गई, दुर्व्यवहार किया गया और धमकाया गया। इस बीच पुलिस ने कुछ लोगों को मंदिर तक ले जाने की कोशिश की, लेकिन दोपहर बाद तक वो भी लाचार दिखे। हालात खराब होते गए। आंध्र प्रदेश से आई 40 साल की माधवी अपने 2 बच्चों के साथ आई थी। उन्हें इतना डराया धमकाया गया कि उनकी बेटी रो पड़ी। अंत में माधवी और उनके परिवार ने मंदिर जाने का इरादा छोड़ दिया और वो वापस लौट गए। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो शायद स्टेट गवर्नमेंट का स्टैंड भी क्लियर तरीके से पता चलता है कि कैसे उन्होंने इसको पूरी तरीके से कंट्रोल करने में फेल हुए हैं। पुलिस अगर चाहती तो इस एक्सट्रीम तक उसको आने कभी भी परमिट नहीं करती। कोर्ट के फैसले को न मानने पर तुली भीड़ ने महिला श्रद्धालुओं को ही नहीं डराया, बल्कि उनका गुस्सा मौके पर मौजूद कई पत्रकारों पर भी टूटा, खास तौर पर महिला पत्रकारों पर। अलग अलग समाचार संस्थानों की 4 महिला पत्रकारों पर हमला किया गया, धक्का मुक्की की गई और उन्हें धमकाया गया। उनकी गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए, उनके कैमरे छीन लिए गए। लेकिन ये महिला पत्रकार डटी रहीं और अपना काम जारी रखा, चाहे वो सबरीमला से पहले का आखिरी कस्बा निलेकल हो या फिर बेस कैंप पंबा। इस बीच प्रदर्शनकारी कई जगहों पर पुलिस से भिड़ते रहे। कुछ जगहों पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया। पर्सनल सिचुएशन, पर्सनल केसेस, हम कुछ केस भी फाइल करेंगे। मीडिया पर हमले को हमने गंभीरता से लिया है, हम सरकार को इसकी जानकारी देंगे। साल में 2 बार खुलने वाला शबरीमला मंदिर 22 अक्टूबर तक खुला रहेगा और तब तक शबरीमला मंदिर में इस तरह का तनाव और टकराव बने रहने के आसार हैं। अब देखना है कि केरल की लेफ्ट फ्रंट सरकार किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करवा पाती है। केरल से स्नेहा मेरी कोशी और माया शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी हर चुनाव से पहले एक दूसरे के खिलाफ सीडी और रिकॉर्डिंग्स जारी करने की जैसे होड़ सी लग जाती है। इस बार राज्य के गृह मंत्री राम सेवक पैकरा की डायबिटीज की बीमारी का इलाज करने वाले कंबल बाबा का एक कथित ऑडियो वायरल हुआ है, जिसने राज्य की सियासत में खलबली मचा दी है। इस ऑडियो में कंबल बाबा कांग्रेस के लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चिंतामणि महाराज को बीजेपी में शामिल होने की पेशकश कर रहे हैं। यही नहीं, एक और नेता के बीजेपी में शामिल होने का राज वो इस ऑडियो में खोल रहे हैं। ऐसा कि न आपको कोई कहीं से कहीं आपको खर्च लगे जवाबदारी पूरी नहीं रहेगी, आपकी शरत के अनुसार, आपके हिसाब से अनुसार। मैंने बोला इलेक्शन लड़ने के लिए पूरा खर्चा, लाल बत्ती यानी कि मंत्री बनाने की शरत, अब आपकी जवाबदारी। मेरा वहाँ जाते ही ना
सारा फोटो फाटो हो करके न मेरा सत्यानाश हो जाएगा। आपका कहीं से फोटो क्या फोटो आया आपका कहीं, मेरी बात सुनो, मैंने वो भी बता दिया था, आपका कहीं फोटो आया कहीं चैनल में नाम आया कोई जगह पे कुछ भी हुआ बराबर, वो पूरी जिम्मेदारी मेरी है। ये बातचीत की रिकॉर्डिंग कथित तौर पर छत्तीसगढ़ में गृहमंत्री के करीबी कंबल बाबा और कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज के बीच बताई जा रही है। इस कथित ऑडियो में कंबल वाले बाबा ने कांग्रेस छोड़कर रामदयाल उइके के बीजेपी प्रवेश करने का भी राज खोला है। आरोप है कि उइके को 10 करोड़ रुपए और मंत्री पद दिए जाने के आश्वासन के साथ बीजेपी में प्रवेश कराया गया। अभी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष को ले गए तो इन लोग किस हद तक जाएंगे उसका तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नहीं वो तो कार्यकारी अध्यक्ष आ गया है बाकी लाया नहीं गया है बराबर, 10 करोड़ में सौदा हो गया बाकी, मैं आपको बता देता हूँ 10 करोड़ में सौदा हुआ है और इसको मंत्री पद की फाइनल बोल दिया। हालांकि कंबल बाबा के तमाम समीकरणों को सुनने के बावजूद चिंतामणि महाराज ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। नहीं सुनिए ना, हम तो महाराजा साहब को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, इसके बाद हम मंत्री बने नहीं बने, हम विधायक केवल बने रहे ना, उतना ही हमारे लिए तो बहुत है। तो जी कैसे आप क्या कर रहे हैं, मेरी इच्छा थी एक बार मिलना चाहिए। नहीं क्या है, मन जो गवाह दे रहा है ना, मन जो बोल रहा है उसके विपरीत जाऊंगा तो नुकसान हो जाएगा मेरे को। इस मामले में कंबल वाले बाबा से संपर्क नहीं हुआ लेकिन कांग्रेस विधायक ने इसकी पुष्टि की। उनका कहना था कि आप बीजेपी में आ जाओ और हम चुनाव जीताएंगे और मंत्री बनाएंगे, ऐसे तो कई लोग बोले हैं, संघ से भी ऐसा बात आया था कि आप वापस आ जाते अच्छा रहता। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा मुद्दा मिला तो नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने विधायक को साथ लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वायरल ऑडियो के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत करके जाँच और कार्रवाई की मांग की। इस ऑडियो टेप की तत्काल जाँच होनी चाहिए, स्वयं संज्ञान में लेके छत्तीसगढ़ के प्रशासन को केस दर्ज कर लेना चाहिए, भारत निर्वाचन आयोग को भी इसकी जानकारी दी जाएगी। अगर अमित शाह अंबिकापुर यही काम करने के लिए आए थे जो सामने आ रहा है तो आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मानसिकता क्या हो सकती है, और निसंदेह यही उनकी प्लानिंग रही होगी। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कंबल बाबा और बीजेपी के बीच किसी भी संबंध से न सिर्फ इनकार किया बल्कि कहा उनके 65 विधायक जीत कराने वाले हैं। आजकल दुनिया इतने बाबा घूम रहे हैं, न बीजेपी से लेना देना न बीजेपी का कोई मतलब, ये सब अपने जुगाड़ में घूमते रहते हैं, इसका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं। कंबल बाबा और गणेश यादव पहले छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री के वैद्य गुरु बनकर सुर्खियों में आए, कई लोगों को कंबल उड़ाकर इलाज का दावा किया लेकिन अब उन पर दल बदल की राजनीति में डॉक्टरी के आरोप लगे हैं। देखते हैं 11 दिसंबर को राज्य की 90 सीटों पर जनता ऐसे लोगों का कैसा इलाज करती है। छत्तीसगढ़ को अंग्रेजी में कई बार हम संक्षिप्त में सीजी लिखते हैं लेकिन वहां की राजनीति सीडी के आसपास घूमती है। चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले राज्य के एक कद्दावर मंत्री की कथित सेक्स सीडी बाहर आई जिसको लेकर पीसीसी चीफ पहले जेल गए अब बेल पर बाहर हैं। कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस के कुछ नेता सीडी में सीट की खरीद फरोख्त करते सुने गए और अब एक बाबा की सीडी कथित तौर पर सामने आई है जिसमें वो कांग्रेस के नेता को बीजेपी में आने का प्रलोभन दे रहे हैं। इस बाबा को देखकर बस इतना ही कह सकते हैं, बाबा रे बाबा। रायपुर से सोमेश पटेल और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान में बाजरा की फसल तैयार है और मंडियों में भी आने लगी है। सरकार ने इस साल बाजरा का समर्थन मूल्य 525 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया है जिसके बाद समर्थन मूल्य 1425 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 1950 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। लेकिन किसानों की दिक्कत यह है कि सरकार ने खरीद की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की है और ऐसे में नतीजा यह है कि मंडियों में पहुंचने वाले किसान कम भाव पर ही बाजार में अपना बाजरा बेचने को मजबूर है। जयपुर की विश्वकर्मा अनाज मंडी, बाजरे की फसल लेकर किसान यहां पहुंच रहे हैं लेकिन मेहनत के बावजूद किसानों को सही दाम नहीं मिल रहा है। 70-80% बाजरा मंडी में आ चुका, एक बोरी कट्टा भी नहीं बिका। अरे बिक रहा है 1300-1350 बिक रहा है। ऐसा क्यों है, जब सरकार ने एमएसपी की घोषणा कर ली है तो क्यों नहीं, तो सरकार बाजरा ले ही नहीं रही है।
किसान तो मंडी में आएगा तो मंडी में जो बिकेगा वो भाव उसको मिलेगा। इसकी एक वजह है कि सरकार ने अब तक बाजरा समर्थन मूल्य पे खरीदना नहीं शुरू किया है। जुलाई में बाजरा का समर्थन मूल्य 1425 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ा के 1950 कर दिया था, लेकिन समर्थन मूल्य पे खरीदने से पहले सरकार को लंबी प्रक्रिया तय करनी पड़ती है। 1360 और 1350 वो बाजरो सरकार का रेट तो 1950 है। हाँ, सरकार को 1950 है और 1360 लिए तो सरकार की रेट पे नहीं मिली, सरकार नहीं खरीद ना खरीद रही उन्हें। क्यों नहीं खरीद रही? अब का नहीं पता, तो चुनाव का कारण से कौन खरीद रही है या किसान ने मार बुझा हो जिसकी खातिर कौन खरीद रही, किसान को कोई मालिक कौन? खरीदने का काम खाद्य आपूर्ति विभाग का है। राजस्थान में औसत 36 से 37 लाख मेट्रिक टन बाजरा पैदा होता है, लेकिन सरकारी नियमों के अनुसार इसका सिर्फ 25% हिस्सा ही सरकार खरीदेगी और जो खरीदा जाएगा उसका इस्तेमाल भी सरकार को ही करना पड़ेगा। खरीदने के लिए किसानों को ऑनलाइन रजिस्टर करके टोकन लेना पड़ता है। फसल बाजार में है लेकिन ये प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पाई है। बाजरे की कट चुकी है लगभग 99% कट चुकी है, बस कोई एक दो होंगे खेत, नहीं तो सब कट चुके हैं मैडम। और फिर मजबूर है, कईयों को पैसे की जरूरत है तो वो बेच भी रहे हैं, और जो इसके पास थोड़ी आवन है तो वो रोक रखा है भाई, दिवाली बाद में वो भी बेचेंगे, ऐसी बात नहीं है। जाहिर है राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और किसानों की नाराजगी यहां की भाजपा सरकार को भारी पड़ सकती है, इसलिए सभी विभाग कृषि सहकारी और खाद्य आपूर्ति केंद्र सरकार से बातचीत करके बाजरे की खरीद पे जल्द निर्णय लेना चाहते हैं। जनता तो फुटबॉल है, किसान तो विशेष फुटबॉल है, इधर टोरा मार दिया उधर भग गई, उधर टोरा मार दिया इधर भग गई। सरकार को सिर्फ बोर्ड चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सरदार यादव ने अपनी 4 बीघा जमीन में बाजरा बोया है, बाजरा की फसल कट चुकी है और अब बेचने की तैयारी है, लेकिन सरकार ने MSP की तो घोषणा कर दी लेकिन अब तक किसी भी तरह से सरकार समर्थन मूल्य पर बाजरा नहीं खरीद रही है। 1950 रुपए का वादा किया गया था लेकिन क्योंकि सरकार की तरफ से कोई खरीदारी नहीं हो रही है तो सरदार यादव जैसे किसानों के पास अब कोई विकल्प नहीं है। 1200 से 1100 रुपए क्विंटल पर बेचने पर वो मजबूर है। जयपुर से कैमरामैन शमशु जोहा के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया।